सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मेरा पटना का सेकंड डे। अब मैं रेडी तो हो चुका हूँ, लोग देखते हैं क्या क्या है हमारा। चलो देखते हैं क्या क्या करना है, लेट्स गो। गाइस हम निकल चुके हैं बनारस के लिए, बाकी हमारा होटल पीछे। अब चलते हैं, टिकट है, चलते हैं सीधा बनारस। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के पास और यहीं पे हम उतर गए बनारस यहाँ से 14 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन हमारी बहुत जल्दी जल्दी चला रही थी, तो हमने सोचा यहाँ से रिक्शे से चले जाते हैं, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे। यहाँ से चलते हैं सीधा। पहुंच चुके हैं बनारस और देखो यहाँ बहुत मस्त है जगह। तो बनारस की गलियों में हम घूम रहे हैं। चल गाइस, चलो चलते हैं आगे। तो गाइस ये देख लो, तो गाइस हमारे हो चुके हैं दर्शन, बोलो हर हर महादेव। बाकी हमारे दर्शन कैसे हुए हैं, कुछ अलग तरीके से हुए, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी तो पहले यहाँ से चल लेते हैं। और अब गाइस हम जा रहे हैं बनारस के घाट पे, वहाँ पे चल के फिर यहाँ से सीधा हमें निकलना है गांव के लिए भी। अपने गांव पे जाऊँगा सीधा, यहाँ से पहुँच जाऊँगा रात के 12-1 बजे तक, आज पहुँच ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं। बाकी आज तो बहुत ट्रैवल मार दिया अंधा। और गाइस बनारस की गलियाँ देख लो, इतनी पतली पतली गलियाँ। और यहाँ पे माता की फ़ोटो वगैरह सब कुछ मिल रहा है, काशी विश्वनाथ जी की फोटोज, हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, मंदिर। वैसे अभी हम जा रहे हैं लस्सी पीने। तो गाइस गंगा घाट देख लो, बाकी काफी अच्छा रात का तो नाइट व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, देखो। गुड मॉर्निंग, और मैं तुमने रात को देखा होगा मैं आ चुका था अपने गांव। बाकी मैं बता देता हूँ अब हमारी दर्शन कैसे कैसे हुए थे। हमारे हुए थे दर्शन 300 रुपये में, बाकी वीआईपी दर्शन हुए थे क्योंकि हम लेट पहुँचे थे और मंदिर अगर हम लाइन में घुसते तो 3-4 घंटे लग जाते, तो हमने टिकट विकट का भी सारा रास्ता ख़त्म हो चुका था। तो खुद ही एक अंकल आए हमारे पास और उन्होंने पूछा कि तुम्हें दर्शन करने, मैंने कहा हाँ, तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं कराऊंगा दर्शन, जितने उनको देते हो इतने हमें भी दे देना 300 रुपये। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद बस उन्होंने हमें एकदम एक गार्ड से बात करके अंदर ही अंदर हमें दर्शन करा दिया उन लोगों ने।
और एकदम अच्छे, जय काशी विश्वनाथ जी के, हर हर महादेव। बाकी अभी आज हम गांव में तो आ गए हैं, बाकी अब देखते हैं हमें क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा। नहा वहा के हम लोग फुल रेडी भी हो गए, देख लो आउटफिट। हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबान जो अगर। एक बार यहाँ पे बन रहा है समोसा और उसके नीचे पूरी हलवाई की दुकान। यहाँ से ये हमारा मेन मार्केट, देख लो रानीपुर। काफी बारिश हो रही है यहाँ तो। खिल ही जाएगा दिल का नगर, हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबान जो अगर। प्रसाद ले लिया और बाइक यहाँ खड़ी कर दी और मंदिर तो आ गए, अब चलते हैं अंदर दर्शन करने। चलो मैं तुमसे मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। दर्शन अच्छे से एकदम, बाकी अब हम सोने जा रहे हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड नहीं कर रहे। तो चलो आगे आगे देखते हैं क्या क्या करना है। बाकी बने रहो, देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो।